माय रिचार्ज मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग माय रिचार्ज ज्वाइन करने के बाद, मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग अचीवर बन जाते हैं, कामयाब बन जाते हैं, बहुत बड़ी टीम बनाते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और लाखों लोगों के आदर्श बनते हैं। दोस्तों, ये सवाल मेरे मन में भी आया और इसीलिए माय रिचार्ज कंपनी के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, उनको मैंने स्टडी किया, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को स्टडी किया, उनकी वर्किंग स्टाइल को स्टडी किया, उनकी ज़िंदगी को स्टडी किया और ये सब कुछ स्टडी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, मैं कुछ टॉप सीक्रेट्स लेके आपके सामने आया हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको माय रिचार्ज कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये एक अकेला वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, अगले कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। और अगर आप एक लीडर है तो इस वीडियो को अपनी टीम में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए और उनको भी कहिए कि ये वीडियो देखे और साथ ही में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले सीक्रेट की बात करें तो वो सीक्रेट है कि जितने भी लोग माय रिचार्ज बिजनेस में टॉप पे हैं, जो आज बेस्ट लीडर्स हैं, जो अचीवर्स हैं, जो डायमंड डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों ने इस बिजनेस की बिगिनिंग में, यानी कि शुरुआत में, अपना जो फोकस है वो अर्निंग पे नहीं किया, लर्निंग पे फोकस किया। उन्होंने इस बात पे फोकस नहीं किया कि मुझे पेमेंट कितना आ रहा है, मुझे पे आउट कितना आ रहा है, उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि मैं सीख कितना रहा हूं। जी हां दोस्तों, बहुत से लोग इस बिजनेस में शुरुआत के 2 महीने 3 महीने 4 महीने में ही बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग कंपेयर करते हैं कि 2 महीना हो गया, अभी तक तो मैं एमराल्ड नहीं बना, अभी तक मैं रूबी नहीं बना, अभी मुझे रॉयल्टी नहीं आ रही, अभी तक मुझे 20,000 नहीं आ रहा, 30,000 नहीं आ रहा, 50,000 नहीं आ रहा, 6 महीना हो गया 50,000 नहीं आ रहा, और जब 6 महीना हो गया फिर भी 50,000 नहीं आ रहा तो 6 साल में भी क्या आएगा। वो लोग इस बिजनेस की पैटर्न को नहीं समझ पाते, जबकि जो टॉप अचीवर्स है उन लोगों को भी बिगिनिंग में बहुत पेमेंट नहीं आ रहा था, बिगिनिंग में बहुत पे आउट नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा कि ये एक नया फील्ड है, डायरेक्ट सेलिंग एक नया बिजनेस है। वो एक अलग फील्ड से आए, कोई स्टूडेंट था, कोई जॉब करता था, कोई बिजनेसमैन था, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस था, वो सब लोग इस फील्ड में आए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, माय रिचार्ज एक टोटली डिफरेंट फील्ड है। इस फील्ड को जानने में, समझने में, इसको सीखने में समय जाएगा, लेकिन एक बार हमने इसे सीख लिया, इस बिजनेस के बादशाह बन गए, नेटवर्क मार्केटिंग के लेजेंड बन गए, तो इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि ये 4 से 5 साल में इतनी बड़ी सफलता हासिल करके दे सकता है जितना दुनिया के किसी भी फील्ड में नहीं है। उनको ये चीज़ पहले से पता थे, इसीलिए उन्होंने सीखने पर फोकस किया, कमाने पर फोकस नहीं किया। उनको एक चीज़ पता थी, एक बार हम सीख जाएंगे तो पैसा हमारे पीछे आएगा, मनी इज बाय प्रोडक्ट, सफलता के लायक बन जाएंगे, सफलता मिलेगी। तो जो नए लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको सीखना है, शुरुआत में पहले 1 साल तक आपको अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। आपको खुद को ये सवाल पूछना है कि मैं क्या सीखा, मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं डेवलप हो रहा हूँ कि नहीं, मेरा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, मेरा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर आपका विकास हो रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपको इनकम डेफिनेटली आएगी। शुरुआत में लर्निंग के ऊपर फोकस करें, अर्निंग के ऊपर फोकस ना करें, ये सबसे पहला सीक्रेट है। दूसरे सीक्रेट की अगर बात करें तो दूसरा सीक्रेट ये है दोस्तों कि हमारे जो टॉप लीडर्स है, हमारे जो टॉप अचीवर्स हैं, उनको शुरुआत में ये बात पता चल चुकी थी कि माय रिचार्ज बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, माय रिचार्ज में ज्वाइन होने से पहले उनकी ज़िंदगी क्या थी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कितने गरीब थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कौन से धर्म से, कौन सी जाति से, कौन से गांव से, कितने पढ़े लिखे थे, इससे पहले उन्होंने कभी भी नेटवर्किंग किया था या नहीं किया था, इससे पहले उन्होंने लाइफ में कभी भी प्रोडक्ट सेल की थी या नहीं की थी, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि यहाँ से आगे वो क्या करना चाहते, यहाँ से आगे कितनी बड़ी टीम बनाना चाहते और माय रिचार्ज में अपना करियर कितना बड़ा बनाना चाहते। तो जो लोग इस बिजनेस में शुरुआती दौर पर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको इस बिज़नेस का एक्सपीरियंस है या नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप गांव से हैं या शहर से, आप कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप कौन से धर्म से, कौन सी जाति से, आपने ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी कोई प्रोडक्ट सेल किया या नहीं किया है, फ़र्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि आज यहाँ से आगे बढ़ने का फैसला आप कितना बड़ा लेते और कितना मजबूत लेते हैं। क्योंकि हमारे जो टॉप अचीवर्स हैं उन्होंने यहाँ से आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा और मजबूत फैसला लिया। तो ये दूसरा सीक्रेट है माय डियर फ्रेंड्स। तीसरा सीक्रेट ये बहुत ही खास है, जितने भी टॉप अचीवर्स हैं माय रिचार्ज के, उन्होंने
शुरुआती लेवल पे, बिगिनिंग लेवल पे भी 5 साल बाद के लिए काम किया। उन्होंने कभी भी आज के लिए काम नहीं किया, इस हफ्ते के लिए काम नहीं किया या इस महीने के लिए काम नहीं किया। दोस्तों मजदूर जो होता है ना उसकी सोच एक दिन की होती है। उसको जब मजदूरी दिहाड़ी मिलती है तो वो एक ही सवाल अपने मालिक से पूछता है कि मुझे रात को पैसा मिलेगा या नहीं। उसको काम के फिनिश पे रात को तुरंत पैसा चाहिए क्योंकि वो कल के बारे में नहीं सोच रहा, कल फिर दूसरी जगह पे काम करेगा। नौकरी करने वाला आदमी एक महीने के बारे में सोचता है कि महीने के अंत में उसे सैलरी चाहिए, लेकिन एक बिजनेसमैन हमेशा 5 साल बाद के लिए काम करता है। वो 5 साल बाद जिंदगी में कहाँ पे पहुँचना है उसके लिए आज काम करता है। और इसीलिए जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने 5 साल बाद के लिए काम किया, बड़े मकसद के लिए काम किया, बड़े सपनों के लिए काम किया और बड़े टारगेट का पीछा किया। जब आप बड़े टारगेट का पीछा करते हैं ना तो आपकी मानसिकता बड़ी हो जाती है, आप बड़े फैसले लेते हैं, आप बड़ा एक्शन लेने के लिए खुद को मजबूर करते हैं और बड़ा एक्शन ही आपको बड़ा लीडर बनाता है। तो ये तीसरा सीक्रेट है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों ये सीक्रेट बहुत ही खास है। जितने भी टॉप लीडर्स हैं, टॉप अचीवर्स हैं, उन्होंने अपनी डायरेक्शन ऑफ वर्किंग को कंपनी की डायरेक्शन के साथ मैच किया, या फिर अपनी थिंकिंग फ्रीक्वेंसी को कंपनी की थिंकिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच किया। देखिए आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी की डायरेक्शन के साथ अपनी वर्किंग डायरेक्शन को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, वो ट्रेन उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस ट्रेन में आप दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रहे हैं तो इसका कोई मतलब है? इट्स अ मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं। ट्रेन जिस दिशा में जा रही है वो दिशा में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनके बीच में एक चीज़ कॉमन है, उन्होंने कंपनी की हर ऑफर में, हर कॉम्पिटिशन में, हर एक एक्टिविटी में हमेशा पार्टिसिपेट किया। फिर चाहे वो स्मार्ट कंज्यूमर हो, डायमंड क्लब हो, फास्ट सफायर हो, स्टार रॉयल्टी हो, जय हो, विजय हो, कोई भी ऑफर हो, कोई भी भाग हो, उसमें हमेशा पार्टिसिपेट किया। कभी वो जीते कभी नहीं जीते, लेकिन उन्होंने हमेशा पार्टिसिपेट किया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी ऑफर्स हैं, जितने भी प्लान में एडिशन किए जाते हैं, वो सारे ऑफर्स पूरी तरीके से साइंटिफिकली स्टडी करने के बाद, लीडर्स से डिस्कस करने के बाद, इसके फायदे और नुकसान सब कुछ स्टडी करने के बाद लॉन्च किए जाते हैं। और इसके लॉन्च करने का एक ही मकसद होता है, लोगों का विकास, कंपनी का विकास, ये ग्रोथ के लिए किए जाते हैं। और मैं अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। आप इस बात को समझ लीजिए, अपने दिल में उतार दीजिए, अपने दिमाग में उतार दीजिए। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो विकास है वो उसके लोगों के विकास के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो कंपनी तभी ग्रो करेगी जब लोग ग्रो करेंगे। इसीलिए कंपनी कभी भी कोई ऐसा सिस्टम लेके नहीं आएगी जिसमें आपका नुकसान हो, क्योंकि आपका नुकसान कंपनी का नुकसान, आपका फायदा कंपनी का फायदा। इसीलिए जितने भी ऑफर्स, जितने भी सिस्टम, जितने भी एडिशन यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये सीक्रेट है हमारे टॉप अचीवर्स का। अगर आपको टॉप अचीवर बनना है तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। द नेक्स्ट डिफरेंस इज प्रायोरिटी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग आज माय रिचार्ज में कामयाब है, चाहे वो डायमंड डायरेक्टर है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर है या फिर ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने हमेशा माय रिचार्ज बिजनेस को पहली प्रायोरिटी दी। उन्होंने मीटिंग को, ट्रेनिंग को, सेमिनार को, अपनी टीम को, अपने काम को पहली प्राथमिकता दी। और ये पहली प्राथमिकता आज की बात नहीं है, जब वो बिजनेस में जुड़े थे, जब उनका विजन क्लियर हो चुका था और अपनी जिंदगी का मकसद पता चल चुका था, उस दिन से माय रिचार्ज बिजनेस उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। वो कभी बहाना नहीं बनाते, क्योंकि उनको एक चीज़ भली भांति पता है, उनकी जेब में या तो बहाना रहेगा या फिर सफलता रहेगी, दोनों में से कोई एक ही चीज़ रह सकते हैं। बहाना और सफलता दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। आप जिंदगी में या तो सफल बन सकते हैं या फिर बहाने बना सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि बहाने बनाना या सफल बनना है। और बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहे, कभी बिजनेस में ग्रोथ था तो कभी डाउन भी था, लेकिन इनका कमिटमेंट कभी डाउन नहीं गया, इनकी प्रायोरिटी कभी डाउन नहीं गई। हमेशा इन्होंने माय रिचार्ज को, अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया और अपने कमिटमेंट को टॉप पे रखा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। और दोस्तों जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बिगिनिंग लेवल पे, शुरुआती लेवल पे, आप खुद को एक सवाल पूछिए, आर यू 100% कमिटेड? आप 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या 1 करोड़ वाला कमिटमेंट है, 1 करोड़ वाला प्रायोरिटी है? या फिर जब मीटिंग होता है तो हम आलस में आ जाते हैं, हम बहाने बना देते हैं, हम दोस्तों के घर चले जाते हैं या हमारे घर पे दोस्त आ जाता है? दोस्तों आप इस दुनिया में किसी को भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद को झूठ नहीं बोल सकते। आपको कमिटेड होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, आप इतने बड़े व्यक्ति बन जाए, इतने बड़े सफल व्यक्ति बन जाए कि आपके ऊपर मुझे वीडियो बनाना पड़े, तो आपको अपने अंदर इस प्रकार का कमिटमेंट और प्रायोरिटी लेके आना पड़ेगा। द नेक्स्ट डिफरेंस इज लीडरशिप। जी हाँ दोस्तों, जितने भी टॉप अचीवर्स थे, टॉप लीडर्स थे, उनको एक बात भली भांति पता थी कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में
कामयाब होना है तो यहाँ पे लीडर बनना पड़ेगा, बिकॉज दिस बिजनेस इज अ टीम बिल्डिंग बिजनेस। टीम बिल्ड करने के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई आपको फॉलो करे। जब कोई आपको फॉलो करेगा तभी आप अपनी टीम बना पाएंगे, आप एक लीडर बन पाएंगे। लेकिन दुनिया किसे फॉलो करती है? दुनिया लीडर को फॉलो करती है, लूजर को फॉलो नहीं करती। और इसीलिए शुरुआत से उनको ये बात समझ में आ गई थी कि लीडर बनना पड़ेगा, और लीडर बनने का मतलब है जिम्मेदारी उठाना। लीडरशिप वर्ड का अगर दूसरा आप मतलब निकाले जाए, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी टीम में एक व्यक्ति है तो आप एक व्यक्ति के लीडर बन सकते हो, आपकी टीम में 10 लोग हैं तो आप 10 के लीडर बन सकते हो, आपकी टीम में 10,000 लोग हैं तो 10,000 के लीडर आप हो। लीडर बनने का मतलब ये नहीं है कि एक बार लेवल पे पहुंच जाए फिर लीडर बनेंगे। दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी को लीड करना शुरू करें, अपने विचारों को लीड करना शुरू करें, अपनी फैमिली को लीड करना शुरू करें, अपने आप को लीड करना शुरू करें। आपकी टीम में 2 लोग हैं, 2 को लीड करें, 5 है 5 को लीड करें। आप खुद को जब लीडर मानना शुरू करेंगे तब आपकी लीडरशिप शुरू होती है, और जिम्मेदारी उठाना शुरू करेंगे तो आपकी लीडरशिप शुरू होती है। जितने बड़े लीडर आप बनना चाहते हैं उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी उठाइए। आपकी टीम में 5 लोग हैं, उनको प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनका स्मार्ट कंज्यूमर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका लिस्ट बना या नहीं बना, उनको प्रोस्पेक्टिंग आती या नहीं आती, उनको नेगेटिव लोगों से बचाना, उनको मीटिंग का महत्व समझाना, अपलाइन का महत्व समझाना, उनको मीटिंग में लेके जाना, उनको डायरी दिलाना, उनको पेन दिलाना, उनको प्लानर बनाना, उनको डुप्लीकेट करना, उनको लीडर बनाना, उनका पे आउट कैसे आएगा ये समझाना, उनको फास्ट सफायर समझाना, उनको स्टार रॉयल्टी समझाना, उनको स्मार्ट कंज्यूमर समझाना, डायमंड क्लब समझाना, सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। और जितनी ज्यादा आप जिम्मेदारी उठाएंगे उतने बड़े लीडर आप बनेंगे। एंड लीडरशिप इज मस्ट, लीडरशिप इज कंपलसरी। जितनी बड़ी सफलता आपको हासिल करनी है उतनी बड़ी लीडरशिप आपको डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, हमें लगता है कि वो इसीलिए मोटिवेटेड है क्योंकि वो बड़े लेवल पे है, लेकिन हकीकत यह है कि वो बड़े लेवल पे इसीलिए है क्योंकि वो मोटिवेटेड है। उन्होंने अपने मोटिवेशन को कभी ऊपर नीचे नहीं होने दिया। दोस्तों ये मेंटल टफनेस का बिजनेस है। अगर आपको 1,00,000 रुपया महीना कमाना है तो आप अपने आसपास में 100 लोगों को देखिए, उस 100 में से शायद एक व्यक्ति 1,00,000 रुपया महीना कमाता है। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है कि आपको 99% लोगों से ऊपर उठना पड़ेगा, उनसे बड़ा आदमी बनना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मोटिवेशन को बरकरार रखें और दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ोतरी करें। ऑल द टॉप अचीवर्स, ऑल द टॉप लीडर्स, दे आर मास्टर कम्युनिकेटर्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, उनको एक चीज पहले दिन से पता चल गई थी कि दिस इज द बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड दे आर द मास्टर कम्युनिकेटर्स। देखिए आप किसी भी बड़े लीडर के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि उनका एक्सपीरियंस कितना है। उन्होंने अपनी टीम के साथ हमेशा एक कम्युनिकेशन रखा और साथ ही में अपनी टीम के साथ एक अच्छा रिश्ता भी बनाया, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ को समझा कि अगर मैं अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन में नहीं रहूँगा तो मैं अपनी टीम को समझ नहीं पाऊँगा, मैं अपनी टीम के हालातों को नहीं समझ पाऊँगा। इसीलिए इस बिज़नेस में मोबाइल को यूज़ कैसे करना ये भी एक कला है, और उन्होंने इस कला को सीखा। उन्होंने अपनी टीम में एक लीडरशिप डेवलप की, उन लीडर्स के साथ डेली कम्युनिकेशन में रहे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मंथली प्लानिंग करना सीखा, मंथली प्लानिंग भी किया, साथ में अपनी टीम को भी सिखाया, और उस मंथली प्लानिंग के ऊपर एक्शन प्लान भी तैयार करके दिया। और बहुत बड़ी बात कि वो उस एक्शन प्लान का हिस्सा होते हैं। दे डिडंट बिकम द टीचर, दे बिकम द लीडर। वो सिर्फ सिखाते नहीं है, वो साथ में फील्ड में उतरते। योद्धा वही होता है जो तलवार लेके युद्ध में साथ में जाए, क्योंकि जब योद्धा साथ में होता है ना तो सैनिकों का बल 4 गुना हो जाता है। लीडर वही होता है जो फील्ड में है, वो हमेशा फील्ड में रहते हैं, अपनी टीम के साथ रहते हैं। और इस प्रकार का रिलेशन, एक बहुत ही मजबूत कम्युनिकेशन, एक बहुत बड़ी और मजबूत टीम का निर्माण करता है। तो दोस्तों आप चाहे किसी भी लेवल पे हैं, अगर आपको मैरिचर्ज में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, यू मस्ट बी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। यू मस्ट डेवलप द प्रॉपर एंड रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप विथ योर टीम। आपको अपनी टीम के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा और उनके साथ एक अच्छा और एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन भी आपको बनाना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है और मेरा बहुत ही फेवरेट है। जितने भी टॉप लीडर्स हैं जो इस बिजनेस में टॉप पे पहुंचे हैं, उन्होंने सिर्फ अपने लिए सपने नहीं देखे बल्कि अपनी टीम के लिए सपने देखे। दोस्तों लीडर जो होता है ना वो अपने लिए सपने देखता है, लेकिन महान लीडर अपनी टीम के लिए सपने देखता है। उन्होंने अपनी टीम की जिंदगी में झांका, उनके सपने जाने, उनकी नीड्स, उनके ड्रीम्स सब कुछ जाना, उनके प्रॉब्लम्स जाने, उनके प्रॉब्लम्स को अपने प्रॉब्लम्स बना लिए, उनके सपनों को अपने सपने बना लिए। उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तक सीमित नहीं रखा, अपने डाउनलाइन अपनी टीम की जिंदगी को भी अपना जिंदगी समझा और उनके साथ मिलकर
प्लानिंग किया, स्ट्रेटेजी किया और मिलके काम किया। दोस्तों महान लीडर अगर बनना है तो लोगों के सपने जीने पड़ेंगे, लोगों के टारगेट को अपना टारगेट समझना पड़ेगा और लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। सिर्फ आप अपने लिए सोचेंगे, खुद के लिए सोचेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता हासिल करेंगे, बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। बड़ी सफलता हासिल करना है, बड़ा लीडर बनना है तो लोगों के सपने, खुद के सपने बनाने पड़ेंगे, लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। ये दिमाग से करने का बिजनेस नहीं है, ये दिल से करने का बिजनेस है। और दिल से जब बिजनेस किया जाएगा तो यहाँ पे टीम नहीं बनती है, यहाँ पे पूरा परिवार बनता है। और इसीलिए माय रिचार्ज कंपनी इस मामले में बहुत ही खुश नसीब है, क्योंकि हमारे पास ऐसी लीडरशिप है जो बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही मैच्योर है और जो कंपनी के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ एक इमोशनल रिश्ता बिल्ड करती है, एक ट्रस्ट क्रिएट करती है और इस प्रकार का बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती है कि माय रिचार्ज के साथ हमारा जिंदगी बदलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहां पे बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, लाखों लोगों के आदर्श बनना चाहते हैं, तो उनकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी, उनके सपने अपने समझने पड़ेंगे, उनके परिवार को अपना समझना पड़ेगा, उनकी समस्याओं में भी आपको साथ में खड़ा रहना पड़ेगा और उनकी खुशियों में अपनी खुशियां मनानी पड़ेगी और साथ में अपनी खुशियों में भी उनको शामिल करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे मिस मत कीजिएगा, इसको अपनी जिंदगी में उतारिए। ये आम आदमी से खास आदमी बनने का प्रोसेस है। अगर आपने ये कर दिया तो आप अपने आप को 99% लोगों से सेपरेट कर देंगे, आप उस 1% कैटेगरी में चले जाएंगे जो लोगों के लिए आदर्श होंगे, जो लोगों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होंगे। जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में माय रिचार्ज के साथ बहुत बड़े बड़े सपने देखे। उन्होंने कभी भी 5,000, 10,000, 15,000 कमाने के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कभी भी माय रिचार्ज को साइड बिजनेस के रूप में नहीं देखा। देखिए बहुत से लोग जब बिजनेस में एंटर होते हैं तो साइड बिजनेस के रूप में इस बिजनेस को लेते हैं, लेकिन जब हमारे जो टॉप अचीवर्स हैं उनको ये पता चल गया कि इस बिजनेस में अपर लिमिट कोई है ही नहीं, आप इस बिजनेस से आगे कितना पैसा कमा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप बिजनेस करने की भी आपकी कोई लिमिट नहीं है। तो उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे और बड़े सपनों के लिए बड़े एफर्ट दिए। दोस्तों 5,000, 10,000, 15,000 कमाने के लिए लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं। आप साइड बिजनेस कर सकते हैं, दूसरा छोटा नौकरी कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत से ऑप्शन नहीं होते हैं। और इसीलिए ये जो बिजनेस है ये बड़ा सपना पूरा करने का बिजनेस है, बड़ी सफलता हासिल करने का बिजनेस है। और यहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए, जैसे एक छोटे से बिजनेस से बड़ी सफलता हासिल करना लगभग नामुमकिन है, उसी प्रकार से बड़े बिजनेस में छोटे छोटे सपने देखना भी बेवकूफ़ी है। तो बड़े सपने देखना ज़रूरी है और बड़े सपने देखने के लिए आपको बड़ी मानसिकता डेवलप करनी पड़ेगी और यही किया है हमारे टॉप लीडर्स ने। तो दोस्तों अगर आप भी इस बिजनेस में एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो बड़ी मानसिकता देखनी पड़ेगी और बड़े सपने डेवलप करने पड़ेंगे। सपना इतना बड़ा हो कि उसके सामने सारी मुसीबतें छोटी लगे, मुसीबतें दिखे ही नहीं। सपना इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए, जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ है, जो माय रिचार्ज से जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्ट सेलिंग करने के बारे में सोच भी रहा है ना, उसको भी ये वीडियो आप वहां तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद 90% लोग स्माइल करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, गुड फीलिंग करेंगे, मज़ा आ गया चेतन सर का वीडियो, माय रिचार्ज मॉर्निंग बहुत बढ़िया, लेकिन 10% लोग लीडर बनेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, अपनी टीम को फॉरवर्ड करेंगे, अपनी अपलाइन को फॉरवर्ड करेंगे, अपनी क्रॉसलाइन को फॉरवर्ड करेंगे और एक्शन लेंगे। और 90% लोग क्या करेंगे, गुड फील करेंगे। गुड फीलिंग से कभी जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन लेने से जिंदगी बदलती है। तो आप यहाँ पे कमेंट्स में लिखिए कि आप 90% में हैं, 10% में, आपने कितने लोगों को शेयर किया ये भी लिखिए, मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोग 90% में और कितने लोग 10% में हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आपके सामने आऊंगा इसी प्रकार के एक टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।